हेलो फ्रेंड्स एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खाना बदोश इंडिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल खाना बदोश इंडिया के माध्यम से एक नई जगह पर ले जा रहे हैं, जोधपुर डब्ल्यू सिटी। अपने विशाल किले और शाही छतरियों और संस्कृति के साथ में व्यंजनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जोधपुर डब्ल्यू सिटी। इज फेमस फॉर इट्स गिगांटिक फोर्ट एंड रॉयल कैनोपीज एट कल्चर एज वेल एज इट्स फूड। लॉट्स ऑफ पर्सन्स आर वेरी फूडी। तो आज हम आपको लेके चलते हैं मंडोर से 2 किलोमीटर दूर पंचकुंड की छतरियों की ओर। टुडे वी हैव टेकन यू टूवर्स द अम्ब्रेलाज ऑफ पंचकुंड 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मंडोर। मैं आपको पंचकुंड की छतरियों के बारे में बताऊंगा। आई विल लेट्स इंट्रोड्यूस यू अबाउट कैनोपेज कॉल्ड पंचकुंडा की छतरियाँ। अधिकांश पर्यटक जसवंतथड़ा और मंडोर जाते हैं और शाही समाधियों की सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन पंचकुंड की छतरियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट विजिट जसवंतथड़ा एंड मंडोर एंड अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ रॉयल थॉम्स बट डू नॉट नाउ अबाउट द छतरीज ऑफ पंचकुंड विच इज हार्डली 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम मंडोर गार्डन। पंचकुंड की छतरियाँ स्मारिकाएँ 46 समाधियों का एक समूह है। दीज छतरीज मॉन्यूमेंट्स ऑफ पंचकुंड आर द ग्रुप ऑफ 46 मॉन्यूमेंट्स। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को इन समाधियों के माध्यम से स्वर्ग की ओर ले जाया जा सकता है। इट इज बिलीव्ड दैट द सोल ऑफ डेड पर्सन इज टेकन टू हेवन थ्रू और थ्रू दीज समाधीज। यहाँ शासकों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर कलात्मक छतरियों का निर्माण कराया गया था। आर्टिस्टिक ब्यूटीफुल छतरीज वर बिल्ड हियर बाय द रूलर्स ऑफ मारवाड़ टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। इतिहासकार बताते हैं मारवाड़ के शासक सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कन्नौज के इलाके से आए थे और उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर में बनाई थी, जो कि जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट से 7 किलोमीटर दूर है। ये छतरियाँ मारवाड़ के शासकों राव जोधा, राव चूड़ा, राव रणमल, राव गंगा आदि के स्मारक है। दीज छतरीज आर मोन्यूमेंट्स टू द रूलर्स ऑफ मारवाड़ राव जोधा, राव चूड़ा, राव रणमल, राव गंगा। चूंकि उनका शासन मंडोर में था, तब उन्होंने मंडोर के पीछे 2 किलोमीटर दूर झील के किनारे इन छतरियों का निर्माण किया था। यहाँ पर जयपुर के नरेश प्रताप सिंह जी की पुत्री महारानी सूर्य कंवर की छतरी सबसे सुंदर प्रतीत होती है। द मोन्यूमेंट्स द अम्ब्रेला ऑफ महारानी सूर्य कंवर द डॉटर ऑफ किंग प्रताप सिंह जी ऑफ जयपुर अपीयर्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। महारानी की स्मृति में बनी छतरी स्थापित कला का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। द छतरी बिल्ट इन द मेमोरी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरली। छतरी में 32 पोल्स है और इन 32 स्तंभों के बीच में एक संगमरमर की छोटी छतरी भी है, जिनमें एक पद चिन्ह अंकित किया गया है। द छतरी हैज 32 पिलर्स एंड द स्मॉल मार्बल छतरी। द फुटप्रिंट हैज बीन मार्क इन इट। जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा की समाधि इन छतरियों के बीच एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि पंचकुंडा में शिलालेखों के नष्ट होने के कारण राव जोधा की छतरी या उनकी समाधि की पहचान करना बहुत ही कठिन हो गया है। द समाधि ऑफ राव जोधा द फाउंडर ऑफ जोधपुर सिटी रिमेन्स ए पजल एमोंग दीज छतरीज एज इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द समाधि ऑफ राव जोधा ड्यू टू डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन एट पंचकुंडा। जैसे आपको पहले बताया है, अलग अलग सदियों में निर्मित मंडोर पंचकुंडा की छतरियाँ में जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा की छतरी आज भी गुमनामी के अंधेरे में है। एमोंग दीज छतरीज ऑफ मंडोर
Panchkunda, built in different centuries. The Chhatri of Rao Jodha, the founder of Jodhpur city, is in darkness of anonymity. मंडोर का पंचकुंडा जोधपुर राजघराने की सदियों पूर्व से ही प्रथम प्राचीन दाह संस्कार स्थल रहा है. पंचकुंडा ऑफ मंडोर हैज बीन द फर्स्ट एंशियंट सेरेमनी ग्राउंड ऑफ द जोधपुर रॉयल फैमिली सिंस सेंचुरीज एगो. यहाँ पर तत्कालीन शासकों द्वारा अपने पूर्वजों की याद को बनाए रखने के लिए सुंदर कलात्मक छतरियों का निर्माण कराया था. ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अम्ब्रेलाज दे कॉल्ड छतरियाँ वर बिल्ट हियर बाय एंड देन रूलर्स टू कीप द मेमोरी ऑफ देयर एंसेंटर. और जब जोधपुर की राजधानी मंडोर से जब इन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट स्थापित कर दिया था, तब मेहरानगढ़ में जिनकी पुराने राजाओं की मृत्यु हो जाती थी, उनके परिजनों की मृत्यु हो जाती थी, तब उनकी छतरियाँ या समाधियाँ मंडोर स्थित जो आज गार्डन है वहाँ पे उन्होंने बनानी शुरू कर दी. वहीं उनका दाह संस्कार होता था. फिर जब तक लगने लगा ये स्थान बहुत दूर है, तब मेहरानगढ़ फोर्ट से उनके बाद के महाराजाओं और उनके परिजनों का दाह संस्कार अब जसवंत थड़ा जो किले के बिल्कुल नज़दीक आधा किलोमीटर दूर समझ सकते हैं वहीं होता है. यह सभी छतरियाँ घाटू के पत्थरों से निर्मित होती थी. घाटू एक बलुआ पत्थर है जिसमें कलर लाल होता था और ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता था. आज भी जोधपुर शहर के प्राचीन मकान घाटू के पत्थरों से बने हुए हैं जो पानी लगने से धीरे धीरे गलने लग जाते थे, लेकिन अब कालांतर में जोधपुर में सारे भवन छितर के पत्थर से बने जाते हैं जो एक मजबूत पत्थर है जिसका पानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. और इस पत्थर की उम्र अब बहुत लंबी है. इन छतरियों की सभी की स्थापत्य कला लगभग एक जैसी है. कई छतरियों के नीचे तल भौरे भी बने हुए हैं. ऑलमोस्ट ऑल हैव द सेम आर्किटेक्चर. देयर आर आल्सो फ्लोर टूवर्स बिल्ड अंडर मैनी अम्ब्रेलाज. मारवाड़ के प्रारंभिक राजा और रानियों की छतरियों में बंगाली काट के सदस्य छज्जे आकर्षित है. द कैनोपीज ऑफ अर्लियर किंग एंड क्वींस ऑफ मारवाड़ सिमिलर टू द बंगाली कट आर अट्रैक्टिव. मारवाड़ की इन छतरियों का निर्माण वास्तुकला की सुंदरतम कृति है. जैसा कि आप देख रहे हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ छतरीज इन मारवाड़ इज मोस्ट ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्किटेक्चर. ऐसी मान्यता रही है मृत व्यक्ति की आत्मा को ये छतरियाँ देवल थड़े स्वर्ग में ले जाने के वाहन होते हैं. इट हैज बीन ए बिलीफ दैट दीज अम्ब्रेलाज वॉल थड़ेज आर व्हीकल टू टेक द सॉल ऑफ द डेड पर्सन टू हेवन. मेनी मूवीज हैज बीन शूट अगेंस्ट द बैकअप ऑफ दिस प्लेस. इस जगह की पृष्ठभूमि पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. आज भी हम जहाँ आए हैं वहाँ पर एक कोरियन कंपनी द्वारा एक सॉन्ग की शूटिंग की जा रही है. मुझे इस जगह को देख के पुरानी फिल्म गुलामी में मिथुन का एक गाना आज भी बरफस याद आता है, जिहाल है मस्ती. मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट की तरफ से इस जगह को संरक्षित रखने के लिए गार्ड्स लगा रखे हैं जो यहाँ पर इनका रखरखाव कर रहे हैं. फिर भी आज एक पहेली बन गई है कौन से महाराजा की छतरी कौन सी थी. आज भी ये खोज का विषय, लेकिन करें क्या, उस इतिहास में अब कई जगह टूट फूट हो चुकी है तो ना वहाँ पे कोई शिलालेख है जिससे मालूम किया जा सके कौन सी छतरी किसकी है. तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय.